हेलो फ्रेंड, वेलकम टू गेटीज यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग बार्क बार्क 2020 के बारे में क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इसमें कोर सब्जेक्ट अपना जो नो डाउट जो बार्क एग्जाम होने वाला है या फिर जो इसका इंटरव्यू होने वाला है, नो डाउट ये फुल्ली कोर आपका टॉपिक पे रिलेट करेगा। जैसे अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन से हैं या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर हैं तो आपको कंट्रोल वाल्व, प्रोसेस कंट्रोल, प्रोसेस इंडस्ट्री कैसे काम करता है, ये सब का नॉलेज होना चाहिए। और देखिए, अगर मेन क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है बार के, अगर इंटरव्यू में भी जाइएगा ना, रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैं गया था तो वहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन पूछा था। अगर आपने बोला कि नहीं मेरा फेवरेट सब्जेक्ट प्रोसेस कंट्रोल या कंट्रोल है, तो वो पहला क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर आंसर वो क्वेश्चन को वैरी करते हैं, आपको फंसाते हैं। इसलिए अगर आप उनके अकॉर्डिंग आंसर दे दिए तो सिलेक्शन पक्का है, ये श्योर रखिए। तो देखिए, अगर प्रोसेस कंट्रोल अगर आप बोल रहे हैं तो आप लोगों को मैं पहले ही बता दूं कि 5-6 चीज़ों को जान के जाना चाहिए। जैसे क्या है ना, डेरिवेटिव किक, इंटीग्रल वाइंड अप, डेरिवेटिव किक एंड बम्पलेस ट्रांसफर क्या होता है, बम्पलेस ट्रांसफर, ओके। एंड नेक्स्ट हम लोगों का फीड फॉरवर्ड क्या है, कास्केड कनेक्शन क्या है, क्यों यूज किया जाता है, रेशियो कंट्रोलर क्या है, ओके, रेशियो कंट्रोलर, ये सब, ये 1, 2, 3, 4 एंड कंट्रोलर्स 6, ये 6 चीज का अगर डीप स्टडी है तो आप लोगों का सिलेक्शन पक्का है। और मैं वैसा ही बता दूंगा मैं, क्योंकि मैं सारा इंटरव्यू का क्वेश्चन कलेक्ट करके उसका आंसर, जिसका सिलेक्शन हुआ है उनसे भी मैं आंसर लिया हूं, तो अगर ये चीज आप उनके अकॉर्डिंग आंसर दे देंगे वो भी खुश हो जाएंगे, आपका भी सिलेक्शन हो गया, सब कुछ खुश। तो देखिए, ये 1, 2, 3, 4, 5 चीजों का नॉलेज आप लोगों को डीप होना चाहिए, जो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर है या फिर जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चार चीजों को मैं डिस्कस करूंगा। तो देखिए, मेरा फोकस कहाँ पे रहेगा, ये इस पॉइंट पे रहेगा मेरा फोकस, एंड इस पॉइंट पे रहेगा, इस पॉइंट पे, यहाँ पे ही हम लोगों का दोनों इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर काम आते हैं, बस बाकी और क्या हो रहा है वो दूसरा लोग संभाल लेगा। तो देखिए, हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोलर जो होता है ना, कंट्रोलर हम लोगों को पढ़ेंगे, PPI PID कंट्रोलर होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आउटपुट देखेंगे। मेन जो होता है वो कंट्रोल वाल्व, जैसे कंट्रोल वाल्व क्या है, आसान भाषा में हम लोग क्या बोलेंगे, आपके घर में जो नल है, नल को पानी बंद करते हैं ना, ऑन ऑफ करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं तो पानी का फ्लो ज़्यादा होता है, पानी का फ्लो कम होता है। यहाँ भी ये वाल्व क्या होगा, एक बार ऊपर होगा तो उसको हम लोग नया नाम दे देते हैं, एयर टू ओपन, ओपन हो रहा है एयर देने से। अगर हम यहाँ से एयर दे, लेट अस सपोज, ये भी क्या हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल दिया एयर टू ओपन तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे क्या बोल रहा है, लेकिन हम लोग अगर समझे रहेंगे तो वहाँ भी टैकल कर, यही सब होता है गेट में भी, क्या हो जाएगा, कुछ नया टर्म यूज कर देगा जो कि बाद में घर पे आने पे पता चलता है कि अच्छा ये बोला था, वही सब होता है, उसी को अवॉइड करना है। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग का क्या है ना, ये क्या है, यहाँ पे मान लीजिए हम लोग यहाँ से न्यूमेटिक मतलब क्या होता है, न्यूमेटिक सिग्नल, हाइड्रोलिक सिग्नल है ना, न्यूमेटिक, एक्चुएटर, हाइड्रोल, एक्चुएटर एक्चुअली क्या है ना, एक्चुएटर ये पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ओके, एक्चुएटर को बॉडी से लगा देते हैं और फ्लो में लगा देते हैं तो वो वाल्व बन जाता है। तो मेनली काम हम लोग का एक्चुएटर का होता है। तो देखिए, पहले हम लोग एक्चुएटर के बारे में देख लेते हैं, ये क्या है ना, कंट्रोल वाल्व, मेनली हम लोग का फोकस यहाँ रहेगा और यहाँ रहेगा। तो ये बता दूं मैं, ये फाइनल कंट्रोल एलिमेंट इसी को बोलते हैं, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट, ये बता दूं फिर मैं यहाँ पे आऊँगा। तो देखिए, ये क्या, किससे कनेक्टेड होता है, पहले ये जो हमारा होता है डायफ्राम, ये जो है ये डायफ्राम है, ओके, डायफ्राम जो कनेक्टेड होता है एक मेटालिक स्ट्रिप, ओके, एक मेटालिक स्ट्रिप यहाँ पे लगा रहता है। अब क्या हुआ ना, और ये हमारा क्या होता है स्प्रिंग, ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है, एंड यहाँ पे वाल्व प्लग हो गया, एंड ये मैं लिख दिया वाल्व स्टीम हो गया। अब देखिए क्या हुआ, हम लोगों का सिग्नल इधर से आया, लेट अस सपोज 3-15 PSI में आता है, 4-20 mA में आता है, एंड 1-5 volt में आता है, ओके। अब देखिए 3-15 PSI, अगर सिग्नल, मैं बता रहा हूँ टर्म को समझिए, सिग्नल एयर हुआ, एयर मैंने भेजा और ऊपर से भेजा, तो ऊपर देने से क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, डायफ्राम पे प्रेशर आ रहा है, प्रेशर आ रहा है ये दब रहा है, मतलब कि वाल्व नीचे आ रहा है, मतलब और जितना नीचे आएगा उतना क्लोज हो रहा है,
तो इसको हम लोग बोलेंगे एयर टू क्लोज, राइट। अब इसमें हम लोग सिग्नल क्या दिए, एयर दिए, तो इसको बोलेंगे न्यूमेटिक एक्चुएटर, न्यूमेटिक एक्चुएटर। बात समझ गया? सेम, इसको हटा दीजिए, ये हटा गया, मैं हटा दिया। ओके, अगर सिग्नल मैं इधर से दिया, इधर से एयर दिया, एयर दिया, इधर से एयर दिया, अब ये क्या होगा ना, डायफ्राम को नीचे से प्रेशर लगाएगा, नीचे से प्रेशर लगाएगा तो ये ऊपर की ओर जाएगा। ये अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो वाल्व क्या हो रहा है, खुल रहा है, वाल्व खुल रहा है, तो इसको क्या नाम बोलेंगे, एयर के कारण खुल रहा है, मतलब एयर टू ओपन, एयर टू ओपन। तो दो चीज इसका, दो तरह का वाल्व होता है, एयर टू क्लोज, एयर टू ओपन। ओके, तो आपको देखना पड़ेगा स्ट्रिप कहाँ पे है, प्लांट में जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा। ऊपर से अगर लिया रहेगा स्ट्रिप, मतलब कि एयर टू क्लोज है एयर देने पे, और एंड एयर टू ओपन। इसी में एक और आता है, रिवर्स एक्टिंग टाइप, डायरेक्ट एक्टिंग टाइप। अब देखिए, प्रेशर दे रहे हैं, ऊपर दे रहे हैं तो ये बंद हो रहा है, मतलब डायरेक्ट एक्टिंग क्या है, दे रहे हैं तो बंद हो रहा है, लेकिन अगर प्रेशर देते और खुलता तो वो रिवर्स एक्टिंग टाइप होगा। तो ये सब चीज़ को आप थोड़ा सा माइंड से समझिएगा ना, टर्मिनोलॉजी को क्या बोला गया है, उस वर्ड को समझिएगा तो आप इंग्लिश से ही रिलेट कर सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा दूँ। तो ये बल्ब हो गया, ये बंद हो रहा है, क्लोज हो रहा है, बस यही काम है। तो हम लोग एक्चुएटर कितना तरह से होता है, एयर दे सकते हैं। अब देखिए, हम लोग क्या दिए ना, वायल दे दिए यहाँ पे, वायल के कारण ये प्रेशर दे रहा है, तो उसको क्या नाम बोलेंगे, हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक न्यूमेटर, हाइड्रोलिक एक्चुएटर, राइट। अगर हम लोग यहाँ पे एयर के जगह इलेक्ट्रिक सिग्नल दे दिए तो क्या हो जाएगा, सोलेनोइडल एक्चुएटर, राइट। तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जो जो सप्लाई देते हैं उसके कारण इसका नाम अलग अलग हो जाता है। तो आप लोग समझ गए, एयर टू ओपन, एयर टू क्लोज कैसे होगा, डायरेक्ट एक्टिंग क्या हो गया, रिवर्स एक्टिंग हो क्या हो गया, ये सब मैं आप लोग को बस ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ, बाद में मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा। उसी तरह यहाँ पे आता है क्विक ओपनिंग बल्ब, ये क्या होता है, क्विक ओपनिंग, उसके बाद लीनियर परसेंटेज। ओके, ये हमारा क्या हो गया, ये कर्व मैं बनाया था, ये हमारा क्या है, लीनियर, ये क्या है, क्विक ओपनिंग, ये क्या है, परसेंटेज, इसका कुछ नाम है मैं भूल रहा हूँ, इसको मैं जब डिटेल में पढ़ाऊंगा तो इसको मैं बता दूंगा। जो लीनियरली खुल रहा है, लीनियर, क्विक ओपनिंग, तुरंत खुल गया, क्विक ओपनिंग, सारा कुछ एक ही नाम से रिलेटेड है। ओके, तो देख, ठीक है, तो देखिए वाल्व प्लग यहाँ पे लगा रहता है। अब हम लोगों का करना क्या है, देखिए हम लोगों का क्या है, सेट पॉइंट, हम लोग कंट्रोल रूम से बैठे बैठे सिग्नल को कंट्रोल करना, जाके तो नहीं कर सकते ना, यहाँ पे बैठे हुए हैं और हम लोगों को वाल्व को ओपन डाउन अप एंड डाउन करना है। ओके, घर का अगर बात रहता है तो नल को खोल देते, पानी आ जाता, जाके बंद कर देते, उसमें कोई दिक्कत नहीं। घर में भी आप कर सकते हैं, बैठे बैठे पानी आ रहा है फिर जा रहा है, कर सकते हैं, कोई कोई बड़ा ये टास्क नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ टर्म को याद करना पड़ेगा। एसपी, एसपी मतलब सेट वैल्यू, पी भी प्रेजेंट वैल्यू, इसी को सी भी बोलते हैं, करंट वैल्यू, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। हम लोगों का टारगेट क्या है, लेट अस सपोज ये मेरा वाल्व फुल्ली ओपन होना चाहिए, 100% ओपन होना चाहिए, मैंने लिखा यहाँ 100% ओपन। ओके, लेकिन अभी क्या है, यहाँ पे हम लोगों का 100% ओपन मतलब ये सारा ऊपर होना, लेकिन यहाँ पे हम लोगों का एक ट्रांसमीटर रहता है जो कि फ्लो को सेंस करता है। अगर यहाँ पे ये क्लोज है तो फ्लो यहाँ पे आएगा नहीं, फ्लो नहीं आएगा तो वो बोल देगा क्लोज है, 0% ओपन है। ओके, तो ये ट्रांसमीटर हम लोगों का सेंस करता है कितना फ्लो का रेट आ रहा है, राइट। तो ये हम लोगों का सेंस किया कि नहीं, 90% फ्लो हमारा हो रहा है, लेकिन हमारा टारगेट है 100% करने का। तो ये 90% सिग्नल ये यहाँ से आया, प्लांट में गया, ओके, प्लांट से प्रोसेस हुआ, फिर यहाँ ट्रांसमीटर हम लोगों का 90% सिग्नल दिया। ओके, 90% ये हम लोगों का आया। ओके, अब 90% तो हम लोग का क्या करंट में आएगा ना, वो कन्वर्ट करेगा, इतना परसेंट में इतना लीनियरली कन्वर्ट करता है, जैसे परसेंटेज ओपनिंग का क्या, परसेंटेज सी ओ का डेल्टा पी माइनस पी मिनिमम डिवाइड बाई स्पैन, ये फार्मूला होता है कि 4% ये ओपन है तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, लाइक दैट। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों का कराऊंगा तो और भी क्लियर हो जाएगा, ये फार्मूला था। तो देखिए 90% ओपन है, तो ये 90% है, ये हम लोगों का क्या है, ये हम लोगों का प्रेजेंट वैल्यू है पी भी, एंड सेट वैल्यू 100% है। तो 100 माइनस 90 क्या 10% हो गया। अब 10% आ गया यहाँ पे, अब यहाँ पे फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर का काम हो गया, ये क्या करेगा ना, 10% के लिए ये सिग्नल भेजेगा कि 10% ऐसा करो, ऐसा ये सिग्नल भेजेगा, 4 to 20 mA में ही भेजता है, 4 to 20 mA में, 3 to 15 PSI में 10% का ईरर आ रहा है।
तो 10% का इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, PPI PID यूज करेंगे। तो एक चीज़ और मैं बता दूँ, प्रोसेस पैरामीटर्स, प्रोसेस पैरामीटर्स के अंदर वो क्या होता है ना, प्रोसेस पैरामीटर दो तरह का होता है, स्लो मूविंग एंड फास्ट मूविंग। फास्ट मूविंग में हम लोगों का क्या होता है, जो बहुत जल्दी मूव करता है, फ्लो रेट FLOW, फ्लो जो है फास्ट मूविंग चीज़ है। एंड स्लो मूविंग में क्या हो जाएगा, टेम्परेचर, ये सब क्या है, स्लो मूविंग है। एंड ह्यूमिडिटी भी क्या है, स्लो मूविंग है, ठीक है। तो देखिए फ्लो जो है वो फास्ट मूविंग है, तो उसको हम लोग कौन सा कंट्रोलर यूज करेंगे कि ये सही रहे, ऐसा नहीं ना PPI PID है तो हम लोग कोई भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे फिर हम लोग, मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि क्या यूज करेंगे तो हम लोगों का आउटपुट एक एरर जीरो हो जाए। जो भी था हम लोग का प्रोसेस रिएक्शन कर्व है, या फिर जिकनल नुकनल मेथड है, जेडन मेथड है, या कोहेन कुन मेथड है, सारा कुछ जो मेथड है ना वो KPKC KI का वैल्यू दिया है, कुछ कांस्टेंट वैल्यू दिया एक्सपेरिमेंट करके कि हाँ ये वैल्यू देने से एरर मेरा जीरो होता है। तो 10% के लिए KPKVKI वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, यहाँ वैल्यू करेंगे और फिर 10% के लिए ही सिग्नल देंगे। अब देखिए ये सिग्नल दे दिए, लेटर सपोज हम लोग क्या करना है, 100% ओपन करना है या क्लोज करना है, ये ध्यान लीजिए। 100% हम लोगों का लेटर सपोज ओपन करना है, लेकिन क्वेश्चन में बोला 90% ही अभी तक ओपन है, तो हम लोगों को ओपन करना है, तो सिग्नल आप किधर से दीजिएगा, इधर से देंगे या फिर इधर से देंगे, ओपन करना है। ओपन मतलब कि हम सिग्नल अगर इधर से दिए तो ओपन होगा, राइट। तो हम लोग सिग्नल इधर से देंगे, ये सिग्नल इधर जाएगा, ये प्रेशर 10% के लिए जाएगा, तो 10% और ऊपर हो गया, पहले 90% उठा था, 10% और ऊपर उठ गया, तो ये हम लोग का क्या हो गया, 100% हो गया। फिर ये सिग्नल इधर आएगा, ये -100% ये अभी जीरो है, ठीक है ना। तो प्लांट में क्या ना, हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता है, थोड़ा थोड़ा वैरी करते रहता है, प्रोसेस पर हम ये सब जा रहा है, फ्लो जा रहा है, तो वैरी करता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारा एरर को एडजस्ट करता है, ऑटो में रहता है, ऑटो एडजस्ट करता है। बस हम लोगों को बैठ के देखना रहता है, मेजर करके लिखना रहता है, कॉपी पे लिख दो हाँ कितना फ्लो रेट था, रात में कितना था, सुबह कितना था, नाइट शिफ्ट में ये लोग गए, वो लोग कितना, वो लोग, बस मेजर ऑटो में ये सब होते रहता है, ओके। अब देखिए कभी कभी हम लोगों का ज़्यादा जरूरत पड़ जाता है, तो हम लोग सेट वैल्यू पुट कर देते हैं, हम लोगों को चाहिए 50%, तो अकॉर्डिंग टू ये हम लोग अभी कितना ओपन है वो देख के फिर ये हम लोगों का देगा। तो ये हम लोग का क्या हो गया, हम लोग नीचे से दिए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एयर टू ओपन, एयर देने पे ये ओपन हो रहा है, ओके। तो 100% ओपन हो गया। फिर बाकी प्रोसेस प्लांट ये यहाँ पे हम लोगों का कोई यूज नहीं है, टर्बाइन बॉयलर ये अलग चीज़ है, हम लोगों का बस इंस्ट्रूमेंटेशन का ये दोनों यूज है, एंड सेंसर्स ट्रांसड्यूसर तो एक अलग सब्जेक्ट ही है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा, अभी आप लोग ओवरव्यू बता दिया, नेक्स्ट वीडियो में मैं कंट्रोलर से यूज करूंगा, कंट्रोलर पढ़ाऊंगा, फिर फाइनल कंट्रोल एलिमेंट करके आप लोगों का सिलेबस खत्म कर दूंगा, जिससे कि आप लोग बार्क अच्छे से दे पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।